पहले हमने बात की अपने स्टैंडर्ड्स को रेस करने की, उसके बाद हमने बात की कि जो हमें स्टैंडर्ड्स को रेस करना है उसके ऊपर हमें जो है विश्वास करना है। जो थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजाइज करना, मतलब आपने चीज़ों के ऊपर विश्वास कर लिया, आपने ये सोच लिया कि मुझे क्या करना है, अब उसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि उसके ऊपर कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। तो टोनी रॉबिन्स जो टेक्निक फॉलो करते हैं उसको कहते हैं मॉडलिंग। वो कहते हैं वजह इसके कि इधर जाओ या उधर जाओ, उस इंसान को फॉलो करो जो ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुका है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इंसान लगता है जो मतलब ठीक भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार सबको मॉडल करना भी इतनी अच्छी बात नहीं होती, तो पहले ये समझो कि वो इंसान इस लायक है कि जिसको आप मॉडल करना चाहते हो, तो आप उसको मॉडल करिए, एग्जैक्टली वही कीजिए जो वो कर रहा है, तो आपको वो सब रिजल्ट मिलेंगे जो आपको चाहते हैं आप। तो इसलिए इसमें मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई है टोनी रॉबिन्स ने। वो कहते हैं जब भी हमारे पास कोई कोच होता है या मेंटर होता है तो हमारी जो लाइफ की जो वो स्ट्रगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, और हमारी जो अचीवमेंट और ग्रोथ और सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है या कोच है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का टिप इतना ही कि लाइफ में कोचेस और मेंटर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि येस इट्स गुड टू हैव मेंटर। आज का हेल्थ टिप इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।